नमस्कार दोस्तों, तो Xiaomi ने आज फाइनली साल का मतलब 2022 साल का सबसे पहला फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि बाकी सभी कंपनी के मुकाबले सबसे पहले ही अपना फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है और इस फ्लैगशिप सीरीज का नाम है Xiaomi 12 सीरीज और इसके अंदर Xiaomi ने टोटल 3 स्मार्टफोन लॉन्च किया है, Xiaomi 12, 12X और 12 Pro। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा ये तीनों स्मार्टफोन के बीच में आपको क्या क्या डिफरेंस मिलेगा, मतलब तीनों स्मार्टफोन के बीच में आपको फुल कंपैरिजन देखने को मिलेगा इंक्लूडिंग प्राइस एंड सभी स्पेसिफिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त खबर। आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेट चैनल पर नए हैं और ऐसी वीडियो आगे भी देखना चाहते तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो कंपैरिजन शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डिजाइन दिखाना चाहता हूं कि इस बार का जो Xiaomi 12 सीरीज कैसे डिजाइन के साथ लॉन्च हुआ है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं ये जो स्मार्टफोन इस बार ऐसी सिंपल डिजाइन पे लॉन्च हुआ है, मतलब डिजाइन के मामले में मुझे इस बार काफी बढ़िया लगा। आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। पहले तो हम बात करेंगे तीनों के प्राइस के बारे में। जैसे कि देख सकते हैं तो Xiaomi 12X जो कि सबसे सस्ता वाला स्मार्टफोन है उसका बेस वेरिएंट का प्राइस है 31991, सेकंड वाले वेरिएंट का प्राइस है 3501, थर्ड वेरिएंट का प्राइस है 3801। मतलब जब यह स्मार्टफोन इंडिया पे आएगा इसका प्राइस शुरू होगा 37,000 रुपीज से। नेक्स्ट जो वेरिएंट उसका नाम है Xiaomi 12, उसका बेस वेरिएंट का प्राइस है 3700, सेकंड वेरिएंट का प्राइस है 4001, तीसरे वेरिएंट का प्राइस है 4401। मतलब जब ये इंडिया पे आएगा प्राइस शुरू होगा 42,000 रुपीस के आसपास। और जो थर्ड वाला एडिशन जो कि सबसे बढ़िया चीज़ है Xiaomi 12 Pro, इसका बेस वेरिएंट का प्राइस है 4701, सेकंड का प्राइस है 5000 और थर्ड का प्राइस है 5401। मतलब जब ये स्मार्टफोन इंडिया पे आएगा प्राइस शुरू होगा ऑलमोस्ट 52,000 रुपीस के आसपास से। अगर हम तीनों के डायमेंशन के बारे में बात करें जो Xiaomi 12X उसका थिकनेस है 8.16 मिलीमीटर और वेट है 176 ग्राम। जो सेकंड वाला मतलब जो Xiaomi 12 उसका थिकनेस है 8.16 मिलीमीटर और उसका वेट है थोड़ा सा ज़्यादा जो कि 180 ग्राम। और जो थर्ड वाला वेरियंट उसका थिकनेस है 8.16 मिलीमीटर और उसका वेट है 205 ग्राम। तो देख सकते हैं कि ये जो Xiaomi 12X है तीनों के बीच में सबसे पतला और सबसे हल्का है और जिसमें आपको सबसे ज़्यादा स्पेसिफिकेशन मिलेगा उसका वेट काफ़ी ज़्यादा है एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन के हिसाब से। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे तीनों के डिस्प्ले के बारे में क्योंकि कहा जा रहा है कि इस बार का जो डिस्प्ले वो अभी दुनिया पे सबसे नंबर वन डिस्प्ले। पहला तो 12X उसमें आपको मिलेगा 6.28 इंच फुल एचडी प्लस ए प्लस एमोलेड डिस्प्ले। अब ये जो ए प्लस एमोलेड इसका मतलब E3 या फिर E4 या फिर E5 है इसके बारे में कोई कॉन्फर्म इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन जितना मुझे लग रहा है शायद इसमें आपको E4 एमोलेड मिलेगा। और इसका जो कलर पैनल वो आपको मिलेगा 12-bit कलर पैनल, इसमें आपको 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले रेट उसके साथ 480 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट मिलेगा। इसमें आपको HDR10+ और डॉल्बी विजन दोनों का सर्टिफिकेशन मिलेगा। और जो प्रोटेक्शन मतलब जो डिस्प्ले प्रोटेक्शन वो आपको मिलेगा कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस। अगर हम Xiaomi 12S के साथ कंपेयर करते हैं तो दोनों का डिस्प्ले साइज को लेके बाकी जो भी स्पेसिफिकेशन है दोनों एग्जैक्टली सेम। लेकिन अगर हम Xiaomi 12 Pro की बारे में बात करें, पहली बात तो इसमें आपको मिलेगा 6.73 इंच 2K क्वालिटी का सैमसंग सेकेंड जनरेशन डिस्प्ले। इसमें भी हमें कलर पैनल मिलेगा 12-bit का। इसका जो एमोलेड डिस्प्ले वो एक्चुअली है E5 एमोलेड डिस्प्ले और जो एमोलेड का क्वालिटी वो आपको मिलेगा LTPO क्वालिटी का एमोलेड और वो भी सेकेंड जनरेशन LTPO क्वालिटी का एमोलेड। और इसमें भी आपको वही सेम 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 480 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट, HDR10+ का सर्टिफिकेशन, डॉल्बी विजन का भी सर्टिफिकेशन और प्रोटेक्शन में आपको मिलेगा गोरिल्ला ग्लास विक्टस। और अभी थियोरेटिकली ये जो Xiaomi 12 Pro का जो डिस्प्ले वो दुनिया का नंबर वन स्मार्टफोन डिस्प्ले। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोसेसर के बारे में। Xiaomi 12X में आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर, लेकिन जो बाकी दोनों उसमें आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 वाला प्रोसेसर। और तीनों ही स्मार्टफोन में आपको Xiaomi का खुद का नया जनरेशन कूलिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। लेकिन एक्चुअली इस तीनों के जो कूलिंग सिस्टम उसके अंदर भी आपको छोटा डिफरेंस मिलेगा। जैसे कि इसमें देख सकते हैं जो Xiaomi 12X उसके अंदर का जो वेपर चेंबर उसका साइज है 2600 मिलीमीटर स्क्वायर के आसपास, लेकिन जो Xiaomi 12 और 12 Pro उसमें आपको 2900 मिलीमीटर स्क्वायर के आसपास वेपर चेंबर देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करेंगे तीनों का एक और बढ़िया फीचर जो कि इसका कैमरा। जो 12X उसमें आपको मिलेगा 13 और 5 मेगापिक्सल का बैक कैमरा और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। जो 50 मेगापिक्सल सेंसर वो आपको मिलेगा सोनी IMX766 सेंसर जो कि एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही ऑप्टिमाइज सेंसर है। अगर Xiaomi 12 के बारे में बात करें उसमें भी एग्जैक्टली सेम कैमरा मिलेगा, लेकिन जो Xiaomi 12 Pro उसमें आपको मिलेगा
50 और 50 मेगापिक्सल का तीन बैक कैमरा सेटअप, और उसमें से जो 50 मेगापिक्सल मेन सेंसर उसमें आपको मिलेगा सोनी IMX707 सेंसर, जो कि अभी तक दुनिया पे किसी भी कंपनी ने इस्तेमाल नहीं किया है और काजल की सोनी की तरफ से आने वाला सबसे बेस्ट क्वालिटी का कैमरा सेंसर है। और इसमें भी फ्रंट में आपको मिलेगा 32 मेगापिक्सल का कैमरा। तो इसके बाद हम बात करेंगे बैटरी के बारे में। Xiaomi 12X में आपको मिलेगा 4500 mAh बैटरी, उसके साथ 67W का वाट चार्जिंग, लेकिन इसमें आपको कोई भी वायरलेस या फिर रिवर्स चार्जिंग का फीचर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो Xiaomi 12 उसमें भी आपको 4500 mAh बैटरी मिलेगा, उसमें भी आपको मिलेगा 67W का फास्ट चार्ज, लेकिन उसके साथ आपको 50W का वायरलेस और 10W का रिवर्स चार्जिंग भी देखने को मिलेगा। और जो Xiaomi 12 Pro उसमें आपको 4600 mAh बैटरी मिलेगा, जो वाट चार्जिंग उसमें आपको मिलेगा 120W का वाट चार्जिंग। और जितना मुझे लग रहा है शायद Xiaomi 12 Pro अभी दुनिया का पहला कॉमर्शियली अवेलेबल स्मार्टफोन है जिसमें आपको 120W का चार्जर देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी मुझे ऐसा याद नहीं आ रहा कि दूसरा कौन से कंपनी ने कॉमर्शियली अवेलेबल 120W चार्जर को लॉन्च किया है। और इस 120W के चार्जर के जो वोल्टेज उसे मेंटेन करने के लिए इसमें आपको सार्ज P1 नाम का एक स्पेशल चिप भी देखने को मिलेगा, और उसके साथ आपको वही 50W का वायरलेस चार्जिंग और 10W का रिवर्स चार्जिंग भी देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे तीनों के वेरिएंट के बारे में। वैसे इधर तीनों ही वेरिएंट एक्जैक्टली सेम है, 8 128GB, 8 256GB और 12 256GB, टोटल तीन वेरिएंट पे लॉन्च हुआ है। तीनों पे रैम का क्वालिटी LPDDR5, मेमोरी का क्वालिटी UFS 3.1, और डेफिनेटली आपको SD कार्ड का स्लॉट देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके बाद हम तीनों के ऑडियो के बारे में बात करें। वैसे इधर Xiaomi 12X और Xiaomi 12 दोनों पे आपको डुअल स्पीकर मिलता है। ये जो डुअल स्पीकर उसे ट्यूनिंग किया गया है हार्मन गार्डन कंपनी की तरफ से, और दोनों भी आपको डॉल्बी एटमॉस का फीचर मिलता है। लेकिन अगर Xiaomi 12 Pro की बारे में कहा जाए कि इसमें आपको क्वाड स्पीकर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और इसमें भी आपको हार्मन गार्डन कंपनी की तरफ से ट्यूनिंग मिलेगा, और इसमें भी आपको डॉल्बी एटमॉस का भी फीचर देखने को मिलेगा। तो यही एक्चुअली था Xiaomi 12 सीरीज के अंदर जो तीनों स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है उसके तीनों के अंदर का डिफरेंस। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूंगा जब इंडिया पे लॉन्च होगा आप कोशिश करना जो Xiaomi 12X वाला जो स्मार्टफोन वो लेने के लिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन होगा। आपको ये स्मार्टफोन मिलेगा भी ऑलमोस्ट 35,000 से 37,000 रुपीज के आसपास। लेकिन अगर Xiaomi 12 के बारे में बात करें, Xiaomi 12X और 12 के बीच में ज्यादा कोई डिफरेंस है ही नहीं, दोनों एक्जैक्टली सेम, बस एक ही डिफरेंस है वायरलेस चार्जिंग, और जो दूसरा डिफरेंस है प्रोसेसर का, जो कि स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1, बस यही दोनों डिफरेंस है। लेकिन उसके कारण जो प्राइस उसमें आपको ऑलमोस्ट 5,000 से 6,000 रुपए का इंक्रीज देखने को मिलेगा। दूसरे मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा जब ये स्मार्टफोन मतलब स्पेशली जो Xiaomi 12X जो कि डेफिनेटली इंडिया पे आएगा, तो आपको 100% इस Xiaomi 12X को ही लेना चाहिए, या फिर अगर आप ज्यादा पैसे खर्चा करना चाहते हो तो Xiaomi 12 Pro को लेना चाहिए, और मेरे ख्याल से जो मिडिल वाला Xiaomi 12 उसे स्किप करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको ज्यादा कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो आज का वीडियो ही तक, उम्मीद है आज का छोटा सा कॉम्पेरिजन वीडियो को पसंद आया होगा। वैसे फ्यूचर में अगर वैसे कोई और भी वीडियो का देखना चाहते तो गैजुअल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।